बसे आवे राम और लक्ष्मण, पश्चिम से आवे हनुमान हो गले तुलसी के माला। प्रणाम सभी को। आज हम आनंद सभा के प्रांगण में बसंत पंचमी मनावत है जा। वैसे तो हम जब से हमर जानीला छोटा से है त्यौहार मनाएल जा हमर बाप दादा के लेपक से। हमर विचार से दूगो कारण मुख्य कारण है कहे मनाएल जा। एगो है कि सरस्वती माँ के पूजा होवेला आज, और दूसर बात है कि 40 दिन होली मनाए से पहले आज ताल ठोंकाला। ताल ठोंक के मतलब है कि आज हमनी जो होली के गीत गाय के है सा आज से ओकर प्राचिक शुरू कर देला जा। वसंत पंचमी ऐसे तो वसंत एगो ऋतु है, एगो सीजन है लैन में, स्प्रिंग या प्रिंतम बोली ला जा। और पंचमी पाँच है, आज फेब्रिये और मास के बीच में एगो मोमा आवेला पाँचवा दिन तो वसंत पंचमी ओकर अवसर में मनाएला जा। आज खासकर सरस्वती माँ के पूजा करी ला जा, और जितना इंस्ट्रूमेंट है संगीत के जो ओकर इंस्ट्रूमेंट है, और साथ साथ जो गीत गायला जा वोकाल ओकर प्रार्थना होवेला। और जो सरस्वती माँ है उ विद्या ज्ञान कैसे बोल सा नॉलेज, और हमनी के जितना प्रोस्पेरिटी चीज है सरस्वती माँ उ हमनी के देवेला। हरिओम माँ श्री गणेशाय नमो नमः। एक दंताय महाबुद्धये सर्वा गुणा गुणात्मकम् मा सर्वसिद्ध करो देवा गौरी पुत्रम विनायकम् गौरी पुत्रम विनायकम् गौरी पुत्रम विनायकम्। अति प्रेम से बोलिए विघ्न विनायक गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। आज इस बसंत पंचमी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैसे बसंत पंचमी है क्या? बसंत का मतलब है हरियाली। जब कहूँ और हरियाली छाती है तब पूर्ण रूप से बसंत का मौसम होता है। वैसे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, छह में से सर्वश्रेष्ठ ऋतु जो है बसंत ऋतु है। और इसमें पूजन पाठन और भजन कीर्तन पूजा आदि सब होती है। पहले के ज़माने में होता था क्या कि जब होली से पूर्व 40 दिन तो ये बसंत पंचमी का कार्यक्रम रखा जाता था। तो बसंत पंचमी प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, तो ये 5 तिथियों के बीच में पंचमी बसंत पंचमी आती है। और होता क्या, ये पूजन से पूर्व ये 5 पंचमी क्यों, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी को पूजा हम करते हैं, पूजा में वातावरण को एकदम पवित्र करते हैं, शांत करते हैं, और अब जाकर जब पंचमी आती है तो गांव वाले आते हैं। जब गांव वाले आते हैं तो वहां पर सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। आप सभी जानते हैं मंत्र, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रावस्त्रवृता या वीणा वरदंड मंडितकर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अचूत शंकर प्रवितिभिर् देवै सदा वंदिता सामा पातुं सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहाम। सरस्वती पूजा के बाद तब जाकर वाद्य संगीत, क्योंकि सरस्वती माँ संगीत देने वाली, संगीत के भंडार है उसके यहाँ, तो वाद्य पूजन होता है। वाद्य इंस्ट्रूमेंट जिसको कहा जाता है, तो वाद्य पूजन। अब हर एक वाद्य चाहे वो ताबल हो
चाहे ढोलक हो, मंजीरा तक मंजीरा हो और हारमोनियम हो, जितने वाद्य है, यहाँ तक इसमें डमरू भी आ जाता और तब जाकर पूजन की मंत्र द्वारा वहाँ पर बाबा जी हर मंत्र बोल बोल कर पूजा करते हैं। रंज मजे श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कहाँ से आवे श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया। पश्चिम से आवे हनुमान हो गले तुलसी के माला। पश्चिम से आवे हनुमान हो गले तुलसी के माला। लक्ष्मण दोनों भैया बसे आवे श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया। पश्चिम से आवे हनुमान हो गले तुलसी के माला। पश्चिम से आवे हनुमान हो गले तुलसी के माला। कहाँ बैठ पाओ राम और लक्ष्मण। माला
मंदिरा बैठाए बाहो राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया मंदिरा बैठे बा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया। चौके पे बैठे बा हनुमान हो गले तुलसी के माला। चौके पे बैठे बा हनुमान हो गले तुलसी के माला।
कृष्ण भगवान की। आप देखें वही कलाकार सफल होते हैं जब अपने वाद्य को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि पूर्ण रूप से हे देवी आप हमारे अंतकरण में निवास करें ताकि आज का संगीत का कार्यक्रम पूर्ण रूप से हो। पूजा तीन प्रकार से होती है, एक वेद रीति, एक कुल रीति, एक लोक रीति। तो ये बसंत पंचमी के दिन तीनों प्रकार की पूजा हो जाती है। वेद रीति मंत्र बोलेंगे, वेद मंत्र पुराण का मंत्र बोलेंगे, कुल रीति। और मुझे उम्मीद तो और आशा तो यह है कि सभी के घर में या कुल में सरस्वती माँ की पूजा होती है, तो ये कुल रीति की पूजा हो गई। और अंत में लोक रीति। ये लोक रीति आजकल बहुत जोरों से चल रही है कि किसी ने देखा कि इसने यह पूजा की तो अपने घर घर में लाकर ऐसी पूजा लोग आरंभ कर देते हैं, तो लोक रीति पूजा हो जाती है। अब आगे चलकर हम देखते क्या है, यह जो है बच्चों में प्रभाव डालता। जो भी बच्चे उस दिन माने जाए बच्चों की पुस्तक की, क्योंकि वीणा वादिनी और उसके हाथ में पुस्तक है ना, तो बच्चों की भी इस दिन में पूजा हो जाती है। तो वसंत पंचमी की पूजन करने से लाभ है। अब सबसे आगे कौन सा लाभ है, सबसे आगे बच्चों की बुद्धि स्थिर होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रगति होती है। और मान लीजिए कि जितने लोग पूजा में आते हैं तो कम से कम सरस्वती माँ की अनुकंपा होती है। और उस दिन कहावत यह है कि सरस्वती माँ किसी न किसी रूप में आकर जो पूजा में भाग लेती है और अपने भक्त को आशीर्वाद देती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कहवा कान्हा के जन्म भय मन मोहना, कहवा बाजे बजा मन मोहना, बधाई लाल मन मोहना।
कन्हैया मोहना, भैले अंगनवा में काला मन मोहना। यहाँ हम आनंद सभा काली माता मंदिर में पिछकाफे के हर साल यहाँ आनंद सभा के मंदिर में हम धूमधाम से वसंत पंचमी मनाते हैं। ये सरस्वती माँ की आशीर्वाद है कि यहाँ बच्चे बुजुर्ग सब लोग मिलजुल के साथ देते हैं। और इसकी खास बात ये भी होती है कि हम इन 40 दिनों तक जब तक होली नहीं मनाते हैं, इसे हम घर घर पर जाकर परिवार के साथ हम इसे साथ गाते हैं, झूमते हैं। और जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी लोग हम एक साथ मिलजुल कर हम इसे मना रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन वह प्रसाद जो मिलता था खाने को बहुत बढ़िया, वह प्रसाद क्या है, वह मालपुआ बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा मालपुआ और चाय के साथ जब पूजन सब हो जाती। तो हम तो बच्चे हैं, इस बहाने ये पुआ खाने के बहाने, चाय पीने के बहाने प्रतिदिन आते थे। और यह पूजा जो है 40 दिन लगातार चलती थी और 40 दिन के बाद सब बच्चे, लेकिन उस समय में बहुत लोग आते थे और पूजा में भाग लेते थे। तो पूजा कोई भी पूजा करो, बहुत लाभ है। चरण के मोहना, हरि के चरण चिकला लाल मन मोहना।
ये शाम्बलिया सा चरण के मोआना हरि के चरण चितलाय लाल मन मोआना श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, काली माता की जय।